तो हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनोज में सब फ्रेंड्स का स्वागत है। तो मैं बहुत अच्छा एक रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है भरवा करेला। तो ये मैं कैसे बनाया हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भरवा करेला बनाने के लिए हमें जो करेला है, तो मैं ये 300 ग्राम करेला ले लिया, इसको हल्का छीला और इसको चीरा लगाया, और कम से कम इसको 3 आवर्स मैंने इसको नमक लगा के इसको छोड़ दिया था। फिर 3 आवर्स के बाद मैंने इसको धोया और पूरे अच्छे से इसमें जो पक्के बीज थे मैंने निकाल दिए बाहर, क्योंकि पक्के बीज ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए पक्के बीज मैंने निकाल दिया। और ये एक मीडियम साइज का आम को मैंने कद्दूकस कर लिया है, एकदम देखिए इस तरह से कद्दूकस कर लिया है एक आम पूरा। और 2 मीडियम साइज का प्याज काट लिया है बारीक, ये देख सकते हैं, ताकि उसमें हमें ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसमें भरने में दिक्कत होगा। तो इस टाइप से आपको प्याज काटने हैं, 2 मीडियम साइज के मैंने काट लिया। एक मैंने बॉल ले लिया, अब इसमें प्याज डालेंगे कटा हुआ। अब इसमें प्याज डाल दिया, अब इसमें घिसा हुआ आम डालेंगे, पूरा एक पीस डालना है, देख सकते हैं मैंने इसमें मसाला रखा है। तो 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, और ये 2 चम्मच अपना धनिया पाउडर है, और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच ये सौंफ पाउडर है, ये नमक टेस्ट का अकॉर्डिंग, और ये हमारा 1 चम्मच गुड़ है, देसी गुड़, ये हमारा मसाला पूरा पड़ेगा उसमें। तो आइए मसाला को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये तोड़ा हुआ हमारा गुड़ भी है, ये हमने तोड़ दिया, इसको मिक्स कर दिया पूरा। अभी इसको मिक्स करना है मसाले को, देख सकते हैं हमारा मसाला मिक्स हो गया। अब इसको हम करेले में भरना शुरू करते हैं। तो हम इसमें भरना शुरू करते हैं करेला में, इस तरह से इसको पूरा भरना पड़ेगा, ये देख सकते हैं इस तरफ से आपको भरना है करेले में पूरा। देखिए हमारा ये भर गया है, इसी तरह से पूरे करेला को हमें भरना पड़ेगा। देख सकते हैं हमारा करेला पूरा भर गया है। अब हम चालू करते हैं गैस को, और उस पर कढ़ाई रख के, और उसमें डालते हैं तेल। तो ये हमने कढ़ाई लिया, इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं, इसमें हमने सरसों का ऑयल डाल दिया है। तो ये इसको थोड़ा पकाना पड़ता है, क्योंकि ये सरसों का तेल में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसको थोड़ा हल्का इसको बॉयल करना पड़ेगा। जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद डालेंगे इसमें। तो देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तब इसमें हम डालेंगे छोटी सी 1 चम्मच जीरा। ये जीरा हमारा चटक चुका है, अब हम इसमें करेला ऐड करेंगे एक एक कर करके। देख सकते हैं कि इसमें ऐड कर दिया है, तो अब इसमें 1 चुटकी नमक डाल लेंगे, क्योंकि ये कोई भी भरवा होता है तो उसमें चुटकी भर नमक ऊपर से डालने में फीका नहीं होता। तो ये मैं डाल दिया चुटकी भर। अब इसको ढक के पकाएंगे, कम से कम आधा से पौन घंटा पकेगा कम पे, क्योंकि इस पे तेज पे पकाना नहीं होता है, इसको कम पे ही पकाना हमको, कम से कम पौन घंटा तक। तो आइए फ्रेंड, देखिए हमारा ये लगभग 1 आवर्स हमने इस पे कम करके इसको पका रहा था, तो देख सकते हैं इससे क्या बीच बीच में मैं पलटी भी करते गया इसको, इस तरह से कांटे के सहायता से। तो ये हमारा पक गया है, ऑलमोस्ट 1 आवर्स में हो गया, क्योंकि मैंने इसको तेज पे नहीं पकाया, इसको बिल्कुल कम करके पकाया, लो मीडियम में रखा गैस को, और बहुत क्योंकि तेज में ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, पर ये जब मीडियम में रहता है तो इसको पकता अच्छे से अंदर तक। तो ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। वीडियो देखिए, धन्यवाद।